नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। सीएम मनोहर लाल ने दीपावली के अवसर पर बड़ी घोषणा की है। सीएम ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। मनोहर लाल ने हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के वैट को कम कर दिया है। अब पूरे हरियाणा में प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों 12 रुपये प्रति लीटर सस्ते हो जाएंगे। दिवाली है और दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर पीएम ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मेरी कामना है ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दिवाली की शुभकामना दी। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन पर मनाई जाने वाली दिवाली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सरयू के किनारे राम की पैड़ी से जुड़े 32 घाट पर करीब 9.51 लाख दिए जले, तो वहीं पूरी अयोध्या नगरी में 12 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे, उनके साथ मां सीता और लक्ष्मण भी थे। रामकथा पार्क में राम राज्याभिषेक हुआ। सीएम योगी ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामकथा पार्क पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले अयोध्या में ऐसी दिवाली नहीं होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को टीकाकरण में पिछड़ने वाले 40 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। वर्चुअल मीटिंग में मोदी ने कम वैक्सीनेशन के कारणों की समीक्षा की। मोदी ने वैक्सीनेशन का मंत्र देते हुए कहा कि हमें हर घर टीका, घर घर टीका पर फोकस करना है। पीएम की समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने नूह उपायुक्त शक्ति सिंह को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचकुला में सामान्य अस्पताल सेक्टर 6 में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया और मरीजों से मिलकर हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दीपावली का त्यौहार पूरे एहतियात के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एहतियात के साथ दीपावली मनाएं। साथ ही प्रदूषण के लिहाज से जिन 14 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है वहां पर पूरी तरह से नियमों का पालन करने की अपील की। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि दीपावली पर किसी तरह की आगजनी की घटना को ध्यान में रखते हुए दमकल विभाग के दस्ते को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है। डीसी प्रदीप गोदारा ने बुधवार को कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और दीपावली के मौके पर जिलावासियों को बधाई दी। कहा कि जिले के निवासी मिलजुलकर आपसी स्वार्थ से दीपावली का पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि चरखी दादरी में दिवाली पर्व के बाद दादरी जिले को महिला सम्मान और जीरो वेस्टेज जिला बनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से संबंधित विभागों से मंथन करने के बाद विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले के डीसी ने कहा कि नवगठित जिला में नई विकास योजनाएं शुरू होंगी, इसके लिए आला अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। प्रदेश में सरकार की तरफ से एनसीआर के जिलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद प्रशासन सख्त है। प्रशासन ने बल्लभगढ़ इलाके से अवैध रूप से रखे पटाखों को जब्त करके नायब तहसीलदार की निगरानी में जमीन में गड्ढा खोदकर पटाखों को नष्ट किया। अधिकारियों ने कहा कि पटाखों के गोदाम को पहले ही सील कर दिया गया है। इसके बावजूद जहां भी उन्हें सूचना मिलेगी सख्त कार्रवाई करते हुए पटाखों को जब्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद पुलिस पटाखे जलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है। पुलिस ने बताया कि जिले में 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। 200 अन्य पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में अलग अलग जगह पर तैनात किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीसीपी, एसीपी और थाना प्रबंधक को दी। जो भी व्यक्ति पटाखे बेचता या जलाता हुआ पाया गया उससे सख्ती से निपटा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जींद में जेजेपी कार्यालय का किसानों ने घेराव किया। डिप्टी सीएम के आने की सूचना पर किसानों ने प्रदर्शन किया। कैथल में कोयला पर्यटन केंद्र में आयोजित की गई सांस्कृतिक संध्या में राज्य मंत्री के अलावा किसी भी विधायक को नहीं बुलाया गया। इस दौरान कैथल के तीनों विधायकों में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी दिख रही है। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें विधायकों की अनदेखी हुई हो। इससे पहले भी कई प्रशासनिक कार्यक्रमों में विधायकों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं। कैथल में किसान भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिवाली मिलन समारोह में शिरकत की, लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर शुभकामनाएं देने के बहाने कटाक्ष भी किया। कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माता सीता, भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जीवन से कुछ गुण आत्मसात कर जनता से पेट्रोल डीजल और गैस की लूट वापस करने का निर्णय लेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि कृषि विरोधी तीनों कानून को वापस लेने का निर्णय लेंगे। किसान, मजदूर, आढ़ती, दुकानदार, नौजवानों को न्याय और बराबरी की भावना से देखेंगे। दिवाली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद फरीदाबाद के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। कुछ लोग पॉल्यूशन मुक्त दिवाली बनाने की बात करते हुए नजर आए। लोगों ने कहा कि वो इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे और दिए जलाकर और गरीबों के घर मिठाइयां बांटकर वो अपनी दिवाली मनाएंगे। तो शाम में देश के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली से पूर्व तो शाम बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस अवसर पर बाजारों में पूरी तरह से भीड़ का माहौल रहा। दुकानों में लंबी लंबी कतारें सामान लेने वाले ग्राहकों की लगी रहीं। तो शाम पुलिस प्रशासन ने किसी भी घटना से निपटने दीजिए पूरी तरह तैयारी रखी थी। बाजार में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर नाके लगाए गए ताकि बड़े वाहन अंदर ना जा सके। कुरुक्षेत्र में इलाहाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत को लेकर इनेलो के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही पर माथा टेकने के बाद मनाया जश्न। गुरुद्वारा छठी पातशाही के बाद पटाखे फोड़े और मीडिया से बातचीत में कहा कि अभय चौटाला की जीत किसानों की जीत है। पानीपत पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी हरियाणा उत्तर प्रदेश में करता था हथियार सप्लाई। आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज। पानीपत बस स्टैंड से पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे आकाश कुमार ने AIBA विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक पक्का कर इसे यादगार बना दिया। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन भिवानी के आकाश बेकऑफ होकर रिंग में उतरे और वेनेजुएला के खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और लोगों के स्वस्थ रहने की कामना की। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने दिवाली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों और अमर शहीदों के परिवारों समेत हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों को हार्दिक बधाई दी। डीजीपी ने प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि दिवाली का पर्व शांति, प्रगति और समृद्धि का अग्रूप है जो हमें आपस में मिलजुल कर खुशियां बांटने की हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपना जन्मदिन सेक्टर 15 स्थित आर्य कन्या सदन के अनाथ बच्चों के साथ मनाया। कार्यक्रम के मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बच्चों के साथ केक काटा, पौधारोपण किया। पलवल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला और सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव पीयूष शर्मा ने डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लघु सचिवालय पलवल में सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग की तरफ से लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का रिबन काटकर अवलोकन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने कहा डिजिटल प्रदर्शनी में हरियाणा के गौरवमयी इतिहास और वीरों की कुर्बानी को दर्शाया गया है। कालावाली में सरियाम बिना लाइसेंस की बाजारों में पटाखे बिक रहे, शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नूह शहर में SDM सलोनी शर्मा ने छापेमारी की, इस दौरान पटाखा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। नूह सिटी पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे पकड़े और साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।
वाराणसी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। छोटी दिवाली पर देर रात तक आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के कारण हवा में गुणवत्ता का संतुलन बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। शहर में सुबह हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। सरकार ने पटाखे फोड़ने और बेचने पर रोक लगाई। बारूद के धुआं की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है। भवानीखेड़ा के चोरटापुर गांव में बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने युवक की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 68,000 रुपए लूट लिए। युवक की आंखों में मिर्च डालते ही वो बाइक से गिर पड़ा, जिसके बाद राकेनों उसे मिलकर मिलकपुर बस स्टैंड पर ले जाकर एक केमिस्ट शॉप पर प्राथमिक उपचार करवाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। भिवानी पुलिस को चांदी के जेवरात छीनने की बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बदमाशों ने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को नरेंद्र सराफ के कारिंदे अनीश धोकलो 22 ग्राम चांदी के जेवरात लेकर नरेंद्र सराफ की फैक्ट्री से दुकान पर आ रहे थे। तभी रास्ते में कुछ मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश अनीश से झपट्टा मारकर चांदी छीनकर फरार हो गए थे। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि चारों बदमाश युवा हैं और फिलहाल उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में मित्तल स्वीट्स कॉर्नर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाश झज्जर आ चुके, लेकिन पुलिस की चुस्ती और दक्षता के चलते इन्हें समय रहते काबू कर लिया गया। पकड़ा गया बदमाश सोनू दिल्ली के रानीखेड़ा का रहने वाला है और अर्जुन झज्जर के मातन गांव का रहने वाला है। यमुनानगर के हमीदा की वाल्मीकि बस्ती में उधार ना मिलने पर नशेड़ी युवक ने दुकान में तोड़फोड़ की और हंगामा किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में झगड़े की शिकायत और जो तोड़फोड़ हुई विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। परिजन जो भी बयान देंगे और पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार के चलते एक 2 साल की बच्ची की मौत हुई। टोहाना में मोबाइल की दुकान पर काम से गए बुजुर्ग की जेब से 80,000 की नकदी चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गुरुग्राम में पठौदी के वार्ड नंबर 1 में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां 9 महीने की बच्ची और 7 साल के लड़के जिंदा जला दिए गए। पदाधिक पति पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते आरोपी रिंकू ने अपने दोनों बच्चों समेत खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली। इस घटना में तीनों को बचाते वक्त एक अन्य शख्स आग में झुलस गया। फिलहाल इस हादसे में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, बाकी 3 का इलाज जारी है। फतेहाबाद में दिवाली से पहले बिगड़ी आबोहवा, जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 पर पहुंचा। फतेहाबाद में रात को कई जगह पर किसानों ने पराली जलाई। किसान लगातार पराली जला रहे हैं। फतेहाबाद में दिवाली के दिन कोहरे की चादर से ढकी नजर सड़कें आईं। सर्दी के मौसम की पहली धुएं के चलते वाहन चालकों को परेशानी हुई। इससे पहले दिवाली के समय कोहरा नजर नहीं आता, लेकिन इस बार दिवाली के दिन ही कोहरे की शुरुआत हुई, जिसके चलते ठंड भी बढ़ गई। दिवाली से पहले ही साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा। आलम यह है कि गुरुग्राम जिले में प्रदूषण का स्तर फरीदाबाद और दिल्ली से भी आगे पहुंच गया है। गुरुग्राम में AQI का स्तर 330 हो गया। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। कैथल में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू के केसों के साथ बुखार पीड़ितों की बढ़ती संख्या चिंता का सबब बन गई है। कैथल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 6 नए केस मिले, जबकि 66 संदिग्ध मिले, तो वहीं ज्यादा बुखार पीड़ित का मिलना परेशानी का बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 71 बुखार पीड़ितों के सैंपल लिए। डेंगू है या नहीं इसकी पुष्टि के लिए सैंपल्स की जांच की जा रही है। वहीं 5 डेंगू मरीजों को गंभीर हालत के चलते अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा अब 241 पहुंच गया। अंबाला में डेंगू का डंक अब डरावना होता जा रहा है। डेंगू के 366 मरीज मिलने पर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने ईंधन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को बड़ा तोहफा दिया।
सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल पर 10 रुपये की कटौती की रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत घटकर 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल का रेट घटकर 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम घटकर 109 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम 94 रुपये 14 पैसे हो गए हैं। कोलकाता में पेट्रोल के दाम घटकर 104 रुपये 67 पैसे, डीजल के दाम घटकर 89 रुपये 79 पैसे। चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम घटकर 101 रुपये 40 पैसे, डीजल के दाम घटकर 102 रुपये 59 पैसे। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 11,903 नए केस सामने आए, 251 मरीजों ने तोड़ा दम। असम में कोरोना के 294 नए केस, 7 की मौत, प्रदेश में 2,281 केस एक्टिव। पंजाब में कोरोना के 15 नए मामले आए सामने, प्रदेश में 228 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना के 973 नए मामले, 24 घंटे में 21 मौतें। पाकिस्तान की इमरान सरकार अपने देश में बैन टीएलपी संगठन से प्रतिबंध हटाकर चुनाव लड़ने की अनुमति देने की तैयार हो गई है। इमरान सरकार ने प्रतिबंधित टीएलपी से समझौता किया। ये वो संगठन है जिसने इस साल की शुरुआत से लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। WHO ने भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने ये वैक्सीन विकसित की है। WHO की ओर से मिली इस मंजूरी के मायने ये है कि भारत में बनी इस कोरोना वैक्सीन को अब अन्य देशों में मान्यता मिल सकेगी और ये वैक्सीन लगवाने वाले भारतीयों को अब विदेश में यात्रा करने और क्वारंटीन होने या प्रतिबंधों को सामना नहीं करना पड़ेगा। WHO ने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञों से मिलकर बनी हमारी टीम ने तय किया कि कोवैक्सीन कोरोना से सुरक्षा के लिए WHO के मानकों को पूरा करती है। हाल ही में G20 की मीटिंग में इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO चीफ डॉक्टर एंटोनिया गुतारेस के साथ कोवैक्सीन को अप्रूवल पर चर्चा की थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगले साल के आखिर तक भारत कोरोना वैक्सीन की 5 अरब डोज तैयार कर सकता है। फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को रिलीज हो रही है। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। दिवाली के मौके पर करीब 2 साल बाद सिनेमा हॉल में कोई बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही। बॉलीवुड हंगामा ने अपने रिपोर्ट में ट्रेड एनालिस्ट अक्षर राशि के हवाले से बताया कि सूर्यवंशी पहले दिन 15 से 17 करोड़ की कमाई कर सकती है।